स्क्वायर कट करते समय बॉल बैट आपका जब बॉल की लाइन पे आता है तो कैसे होना चाहिए, खुला हुआ या फिर इस तरह कर्व में आना? अगर ये कर्व में आएगा तो बॉल एयर में जा सकती है। दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। अगर कोई बॉल एयर में जा रहा है इसका मतलब है कि आप बैट को रोल नहीं कर रहे। हमारे अगला क्या है आपका प्रॉब्लम? नहीं, अभी स्क्वायर कट में और बात बोल रही थी ना, ये तो हो गया एयर में जा रहा था और एयर में जा रहा। तो सबसे बड़ी चीज़ एयर में जाने का रीज़न होता है कि बैट का फेस आपका खुला हुआ होता है। लेकिन एक और रीज़न होता है जिसकी वजह से भी बॉल जो है एयर में चली जाती है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि आप बॉल को अर्ली खेलते हो। ठीक है, आप बॉल को लेट खेलोगे जब तो बॉल आपके बैट पर आके ठीक ढंग से टकराएगा, और अर्ली खेलोगे तो हो सकता है बॉल से आपका टॉप एज भी लग जाए, और हो सकता है कि जो शॉट आपका पॉइंट और कवर के पास या पॉइंट और गली के पास जाना चाहिए उसकी जगह पे वो कवर पर जाके पकड़ा जा सकता है। अगर हम एकदम टाइमिंग के साथ अगर ऐसे आ रहे थे बॉल पे तो कभी कभी मिस भी हो जा रहा था, बैट लेके आ रहे थे पूरा उसके साथ बहुत तेज बॉल गई तो। देखिए ये इसका रीज़न अलग है, ये अलग पार्ट है। बॉल अगर पेस से आ रही है और आप बैट लेके जा रहे हो और आपके बैट की स्पीड और बॉल के पेस की कोऑर्डिनेशन नहीं बन पाया है तो ऐसे में स्क्वायर कट बेहतर नहीं हो सकता है। ये ध्यान रखिए, आती हुई सामने की बॉल और आपके बैट के बीच में पूर्वानुमान होता है, वो पूर्वानुमान हैंड स्पीड से डिपेंड करता है। आपका जितना तेज बॉल है उतनी ही तेज हैंड स्पीड होनी चाहिए। ठीक है, बैट की स्पीड उतनी ही तेज होनी चाहिए। लेकिन अगर बॉल की स्पीड तेज है और बैट की स्पीड धीमी रह गई है, वो आपने पीछे रखा धीमी रह गई तो बॉल निकल जाएगी, और आपने अगर जल्दी खेल दिया बॉल देर में आएगी तो भी आपका बैट आगे चला जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में दोनों को कोऑर्डिनेट करने के लिए चाहिए ये कि तीन क्राइटेरिया से आप प्रैक्टिस करिए। पहले थोड़ा धीमा बॉल को पटकने दीजिए, फिर थोड़ा तेज, फिर और तेज, और अगर इससे भी तेज खेलना है तो आप बॉल को भिगा भिगा के खेलिए। सीमेंट पर खेलना है आपको तो बॉल को भिगा भिगा करके खेलिए, आप और तेज बॉल खेलना सीखिए। Okay.